बिलगांव से निकलती नर्मदा कैनाल के, के आसपास कुल 50 जितनी सोसाइटियां मौजूद हैं और यहां की सबसे गंभीर समस्या है ड्रेनेज की इस बारे में कई बार कई लोगों से शिकायत की गई है कई उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई है लेकिन अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकाले जाने पर यहाँ के सभी लोग आज कलेक्ट्रालय पहुंचे थे करीब 50 जितनी इन सोसाइटियों में पंद्रह हजार जितने लोग रहते हैं और इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है यहाँ के लोग पिछले चार साल से ड्रेनेज की समस्या से परेशान हैं। हर एक अधिकारी और हर एक दफ्तर के थक्के यहाँ के लोग खा चुके हैं लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है ड्रेनेज का दूषित और बदबूदार पानी रास्तों पर बहता है सोसाइटियों के गेट तक यह गंदा पानी बहता रहता है जिससे यहाँ के लोग बीमारियां फैलने के दहशत में जी रहे हैं यहाँ के कई लोग तो जलजन्य बीमारी का शिकार भी हो चुके हैं आज ड्रेनेज की इस समस्या का हल निकालने के लिए यह लोग कलेक्टर कचहरी पहुँचे थे और कलेक्टर से ड्रेनेज की समस्या को हल करने की मांग की थी કોઈપણ સંસ્થા ભૂડા ગ્રામ પંચાયત કે કોર્પોરેશન કોઈ પણ અમને મદદ કરી રહી નથી બીજું કે અમે ઘણી વખત ધારાસભ્ય સંસદ સંસદસભ્યને પણ રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે પણ આનો કોઈ ઉકેલ આવતો નથી તો આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે અમારો જે વિસ્તાર છે એનો ટીપીમાં સમાવેશ કરે કારણ કે અમે બુડાને ઓલરેડી ઘણીવાર અરજી આપી ચૂક્યા છે પણ બુડા એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમારો એરિયા ટીપીમાં લાગતો નથી તો અમારે એક જ વસ્તુ જાણવી છે કે આટલી સોસાયટીએ જે ડેવલપમેન્ટનો ચાર્જીસ આપ્યું તો એ પૈસા ઉલા કઈ જગ્યાએ વાપર્યા છે અમને કેમ આ ફેસિલિટી નથી મળી રહી તો આજે અમે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે જો દિન પંદરમાં અમને આનો કોઈ ઉકેલ નહીં મળે તો હવે અમે સત્યાગ્રહ કરીશું